नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। हाल ही में टाटा समूह ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को अपने पाले में कर लिया था। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही एयर इंडिया टाटा की हो पाएगी। इस देश में टाटा समूह ही विमानन सेवा का संचालन करती थी, लेकिन देश की आजादी के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 1948 में विमानन सेवा का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसके कारण विमानन सेवा टाटा समूह के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गई। लेकिन 73 वर्षों के बाद देश की 100% विमानन सेवा एक बार फिर टाटा समूह के हाथ में आ गई है। केंद्र सरकार ने विमानन सेवा एयर इंडिया का 100% विनिवेश कर लिया है, जिसे टाटा समूह ने 1800 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। उम्मीद थी कि केंद्र सरकार जनवरी 2022 में एयर इंडिया को टाटा समूह के सुपुर्द कर देगी, लेकिन अब इसमें देरी होने वाली है। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि टाटा समूह ने घाटे में चल रहे नेशनल एयर सर्विस एयर इंडिया के अधिग्रहण में जनवरी तक एक महीने की देरी होने की संभावना है, क्योंकि प्रक्रियाओं के पूरा होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर माह में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% इक्विटी शेयरों के साथ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS में अपनी 50% हिस्सेदारी के लिए टाटा सन्स कंपनी द्वारा लगाई गई सबसे ऊंची बोली को स्वीकार कर लिया है। 20 साल में पहला निजीकरण होगा। अधिग्रहण के समय सरकार ने कहा था कि वो दिसंबर के अंत तक लेन देन को पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें टाटा समूह को 2700 करोड़ रुपए नकद का भुगतान करना होगा। हालांकि हैंडओवर की सभी औपचारिकताएं 8 सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी, लेकिन अब केंद्र सरकार और टाटा समूह पारस्परिक रूप से इसकी तारीख को बढ़ा रही है। टाटा समूह के एक अधिकारी के नाम ना सार्वजनिक करने की शर्त पर बताया गया है कि अधिग्रहण के बाद कुछ नियामक मंजूरी होना बाकी है, इसके बाद बाकी की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। उम्मीद है कि प्रक्रिया जनवरी तक पूरी हो जाएगी, लेकिन हम अभी तारीख तय नहीं कर सकते। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।